अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद परवेज़ है, आरी बुलेट जोन हाईटेक सिटी मादापुर अय्यापा सोसाइटी पर है ये। एक्चुअल मैं यहाँ पर मैनेजर पोस्ट पे हूँ। ये गाड़ी 1964 गाड़ी है ये मॉडल। ये गाड़ी मेरे कने आने के टाइम पर टोटली डैमेज गाड़ी था, गाड़ी एक्सीडेंट गाड़ी था। ये टैंक वगैरह टूल बॉक्स वगैरह टोटली डैमेज था। तो ये कस्टमर की ख्वाहिश थी कि ये गाड़ी टोटली चेंज करना, मॉडिफिकेशन करना और जो है सो गाड़ी को 1962 बनाना। तो कस्टमर जब मेरे गने आए, वो मेरे ब्रदर ही लगते, वो मेरे गने आके बोले कि भाई मेरे को टोटली गाड़ी चेंज करना है, ये 1962 मॉडल करना है। तो मैं बोला ठीक है, एक बार देखेंगे। बोलता बोनू बताए मेरे को कि इसमें साइलेंसर भी डबल चाहिए जैसा सेम 1962। बोला ठीक है, बोला तो मैं इसमें चेंज जो जो करा फिल वक्त, ये जो मरगाट्स है, मरगाट जो है सो 1984 के प्लेन मरगाट्स रहते, ये 1962 के जो मरगाट्स रहते उसमें ये सेंटर लाइनिंग जो रहता ये लाइनिंग चेंज रहता, और नंबर प्लेट के जो ये बोल्ट्स आते हैं ना ये पूरे पित्तल के बोल्ट्स रहते। और ये देख सकते हैं आप रिम्स में ये 84 स्कोप्स के ही है, पूरे स्कोप्स भी चेंज रहता, इसमें रिम भी टोटली चेंज रहता 1962 का, 84 का जो रहता वो नॉर्मल रहता। देख सकते ये आप टैंक, ये जो टैंक है टोटली चेंज है, जैसा कि अपने को ओल्ड गाड़ी का जो रहता ओल्ड 1962 का टैंक है, ये टोटली अपन बनवाए सो है। और जो सो ये टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स में भी काफ़ी डिफरेंस रहता है। ये टूल बॉक्स जो सो उठे हुआ रहता, इसको अपन शेप में लेके टूल बॉक्स बनाए सो है, वो ओल्ड वाले टूल बॉक्स में ही बनाए सो है, ये न्यू वाले ऐसा लेकर नहीं, ओल्ड वाले में। ये मरगाट में है, आपके मरगाट में क्या है बोलते हो, थोड़ा ओपन रहता, ये 1962 का मरगाट थोड़ा क्लोज रहता। उसके बाद जो अपन ये कलर कराने के टाइम पर ये जो लाइनिंग देख रहे हैं आप, इधर ला के बताइए, ये रेडियम नहीं होता, ये हैंडवर्क है, ये पूरा ये वाला हैंडवर्क है, ये वाला देख सकते हैं आप टोटली हैंडवर्क में नहीं है, ये रेडियम टाइप है, ये पूरा हैंडवर्क है, ये हैंडवर्क है अपना, और ये भी हैंडवर्क है अपना। इसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसा चेंजिंग है, जैसा कि ये देख सकते हैं आप बोर में, आपकी गाड़ी का क्या है बोल तो सिंगल साइलेंसर आता, 1962 को क्या है बोल तो बोर कटिंग होके उसको डबल साइलेंसर बैठता, और ये साइलेंसर में भी फिटिंग में एग्जैक्ट आना पड़ता, दो भी लेवल चेक करके लगाना पड़ता। क्यों बोलते हो, नीचे ऊपर आए बोलते फिटिंग नहीं होता इसका। तो ये पूरा सेम ले लेके इसको देख सकते हैं आप बैक साइड से कि ये जो दो साइलेंसर्स है, दोनों साइलेंसर्स में क्या है बोले तो फिटिंग सेम आने के बाद, और साइलेंसर भी दोनों को सेम ही बैठेगा। ये जैसा पुराना जो गाड़ी रहता 1962 का 1958 का, वो साइलेंसर्स लगने का है। और ये जो सीट्स आएंगे इसको, अभी सीट्स इसका बन रहा सो है, टोटली सीट भी 1962 टाइप रहेगी, पीछे से सो ब्रॉड रहेगी, सामने से पूरा डाउन रहेगी। ये टोटली निकलिंग वर्क है ये अपने को, हर चीज़ इसका जितना नट बोल्ट वॉचर्स हर चीज़ निकल रहता। ये डेल्को है, डेल्को भी टोटली बंद था इसका, बहुत सारे जने क्या करते हैं इसको रिप्लेस कर देते। अपने पास ये भी रिपेयर होता डेल्को, जैसा कि हेडवर्क है, बोर वर्क है, टोटली यही सामान को अपन खोलकर रिपेयर कराते। बहुत सारी जगह क्या है बोलते डायरेक्ट रिप्लेस बोलते उन लोग, अपने कहने ऐसा नहीं रहता, वही चीज़ को अपन मॉडिफिकेशन करके ऑन करते। और एक जो चीज़ है अपने को, ये जो निकलिंग के साथ जो सो ये बफिंग जो रहता ना, बफिंग पहले जो हो के फिर उसके ऊपर पाउडर कोटिंग होता। ये गाड़ी के ओनर है यूसुफुद्दीन आजमपुरा, अब आगे के जो भी एक्सप्लेन रहेगा यूसुफ भाई करेंगे हमारे। यूसुफ भाई बोलो, आपकी गाड़ी पहले क्या थी, अब क्या है गाड़ी? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल यूट्यूब फैमिली। ये मेरी गाड़ी एक्सीडेंट की गाड़ी थी, और पूरा एक्सीडेंट टोटल एक्सीडेंट हो गया था मेरी गाड़ी का। मैं उम्मीद छोड़ दिया था कि मेरी गाड़ी बनेगी बल के, लेकिन मैं आजमपुरे से रहने वाला हूँ, आजमपुरे से माधापुर को लेके आया, क्योंकि मुझे एड्रेस दिए थे, बहुत लोग जानते ये अपने बुलेट यहाँ बनती बोल के मुझे बोले थे कि मैं गाड़ी ले लेके आया, समझिए आरी बुलेट जोन पे जाओ आपकी गाड़ी बनती बोले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसा सोचा था, लेकिन उससे मेरी अच्छी गाड़ी बनी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं साइलेंसर एक था मेरा डबल साइलेंसर करे वो लोग, कलर एकदम यूनिक कलर है, कोई गाड़ी को नहीं है वैसी गाड़ी को करे अपनी कलर, और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ऐसी बनाए कि लोग देखते रहते। पूरी गाड़ी अभी तैयार हुई, और
बहुत हुआ, एक महीने में रेडी करे, मेरी एक्सीडेंट की गाड़ी थी, लोग सो बोले, मैं दूसरे शोरूम को भी लेके गया था, वो लोग बोले कि एक 8 महीने होते, 9 महीने होते, 1 साल भी लगता आपकी गाड़ी को बनने के लिए, क्योंकि सामान नहीं मिलता बोले। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग ऐसे ऐसे सामान लेके आए जो मैं सोच भी नहीं सका। बस इन लोग के पास बोले इतना कॉस्ट लगेगा, मैं बोला ठीक है इतना नहीं इतना लगेगा, मैं लगाऊंगा कॉस्ट, लेकिन गाड़ी मुझे को जैसा चाहिए वैसा मिलना बोला, लेकिन मैं जो सोचा था उससे अच्छी मिली मेरे को गाड़ी। आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी कैसी है, और निकल इतना प्यारा करा है, मैं बोला था कलर में और निकल में चेहरा दिखना वो एकदम यूनिक और अलग है, धूप में जो चमक है वो चमक चमकते रहती, और एकदम अलग ही है गाड़ी को। 62 मॉडल बोला था, 85 एक्चुअली मेरा 1985 ही गाड़ी की मॉडल है, लेकिन 1962 मैं मॉडल बनाना चाह रहा था, लेकिन 62 मेरी गाड़ी पूरी रेडी कर दी वो लोग। एक इंशाल्लाह शाम में या डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह पूरी रेडी करके दे देंगे बोल रहे हो लोग। और गाड़ी को आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त करे, 62 बना है, टायर्स वायर्स पूरे निकल 40 गाड़ियों की थी, लेकिन उससे बढ़ के गाड़ियाँ डलाए। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान भाई ये है आरिफ ब्लड जोन के, पूरा गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह बनाए, आप लोग देख सकते गाड़ी, और मैं सोचा भी नहीं था इतनी अच्छी गाड़ी बनेगी बोल के। और माशाल्लाह फायरिंग तो आप सोच भी नहीं सकते, फायरिंग मैं खुद नहीं सोचा था कि फायरिंग ऐसी होगी बोल के, लेकिन फायरिंग डबल साइलेंसर डाल के फायरिंग हेलीकॉप्टर फायरिंग बोल के रखे थे लोग अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। टैंक भी पूरा हैंडवर्क बनाने लगे हमें, क्योंकि बोला था उनको हैंडवर्क होना बोल के मेरे को, क्योंकि मशीन की जो रहता हैंडवर्क की बात नहीं आती, हैंडवर्क पूरा हैंडवर्क कराया बुलेट लिखाने, आरिफ ब्लड जोन बोल के गाड़ी पे था, तो उनको उनसे बुलेट आरिफ ब्लड बोल के लिखाने लगाया मैं रॉयल इनफील्ड पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बहुत ज़बरदस्त बनाए मेरी, ठीक है, थैंक यू।